क्वेश्चन नंबर थ्री को देखेंगे। थ्री में दो मूल दिया हुआ है, थ्री में चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। यहाँ पे दो मूल दिए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में और पूछा गया है कि उस समीकरण को बनाएं जिसके ये क्या है मूल है। हम लोग अगर इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, यानी कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है यानी कि जो इक्वेशन बनाने का नियम होता है वो पहले देखेंगे। यहां से हम लोग अगर अल्फा प्लस बीटा निकाले तो क्या आएगा, यानी दोनों मूलों का योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 = 6, और दोनों मूलों का गुणनफल निकालें यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या आएगा, 4 × 2 = 8। तो इसलिए समीकरण जो हो जाएगा, इसलिए समीकरण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - α + β x + α β = 0। इस तरह से हम लोग समीकरण बनाते हैं, यानी कि यहाँ जस्ट जो अल्फा प्लस बीटा है वहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा जहाँ है वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला है समीकरण का, ये जो है वो फॉर्मूला आप इसको मान सकते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा समीकरण के मूल होंगे तो ये समीकरण होगा, यानी कि यहाँ पे x² - α + β (x + α β = 0, ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा अगर इसके मूल क्या हो, अल्फा बीटा हो। तो इस इक्वेशन में दे दिया है 4 और 2 जो हैं अगर क्या हो, मूल हो, तो आपको समीकरण फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 4 अल्फा हो गया और 2 जो है बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिए और अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिए। अब हमको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो ये हो गया x² - α + β = 6, तो ये हो गया 6x + α β = 8, ये हो गया 8 = 0, हमारा काम कंप्लीट। जस्ट यही करना था, इक्वेशन फाइंड आउट करना था और इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अगेन अगर इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं और इसको बीटा ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, -4 + -3, ये हो गया -4 + -3 = -4 - 3 हो गया -7। देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट इज -4 को इंटू करना है -3 से, तो -(-+) और 4 × 3 = 12। देयरफोर जो समीकरण होगा, वो क्या हो जाएगा, x² - α + β x + α × β = 0। अब हमको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देना है तो हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो गया x² - α + β कितना है, -7 + α × β = 12 = 0। यहाँ से ये हो गया x² - −+7 × x = 0, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, यही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4 भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमको समीकरण फाइंड आउट करना है। तो अगर ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे, तो -4 + 3 = -1, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -4 × 3 - +4 × 3 = 12। इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, जो समीकरण हमको फाइंड आउट करना है उसका जनरल इक्वेशन होता है x² - α + β x + α × β = 0। तो जस्ट वैल्यू रख देंगे, ये हो गया x² - α + β = -1, तो ये हो गया -1 × x + α β = -12 = 0। ये हो गया x square। अब देखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
और 1x नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे और प्लस माइनस हो गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, इसी को फाइंड आउट करना था। सेम इसी पैटर्न पे इसको भी देख लेंगे हम लोग, ये है अल्फा और ये है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योगफल कितना होगा, 5 प्लस माइनस 3, दैट इज 5 प्लस माइनस माइनस 3, तो 5 में से 3 माइनस कर दिए तो 2 आ गया, और अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों मूलों का गुणनफल कितना आएगा, दैट इज 5 इंटू माइनस 3, 5 का साइन प्लस है और 3 का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस और 5 इंटू 3 15, इसलिए समीकरण समीकरण जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहां से जस्ट हम लोग वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2x, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है माइनस 15, अल्फा बीटा का वैल्यू है माइनस 15, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 0, यही हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो पे एक लाइक दे दें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि वो आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।